Dear students, good morning to all. This is Neha, your course teacher, and our course title is Farming System and Sustainable Agriculture. Course number is Agro 5222. Okay, so today we will discuss about the factor affecting farming system. Okay, so our today's topic is climatic factor, right? So yes, we have three category: economic factor affecting, climatic and physical. Okay, so in our previous lecture we had already seen some above one factor, which is economic factors, right? So today we will discuss about the climatic factor affecting of farming system. Okay, so climatic factors such as lights, water, rainfall, temperature, air, relative humidity and winds also affect the farming system in various ways, just like other abiotic elements of environmental factors such as soil and topography. They influence how crop grow and develop. Okay, so climatic factors में क्या होगा, lights, water, rainfall हो गया आपका, temperature कैसा है, air किस तरीके से flow कर रहा है, wind की speed क्या है, relative humidity कैसी है वहाँ पे की, ठीक है? तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो factors हैं, ये सारी जो factors हैं या हम कह सकते हैं ये elements हैं, ठीक है? कैसे elements हैं? Atmospheric elements हैं, ठीक है? या हम कह सकते हैं कि climatic elements हैं, ठीक है? जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्लाइमेटिक प्रोस्पेक्टिव से हम कह सकते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे फार्मिंग सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, ठीक है? और अगर हम देखें कि अदर जो एलिमेंट्स हैं, जो एनवायरमेंटल फैक्टर है, जैसे सॉइल कैसी है वहाँ पे की, टोपोग्राफी कैसी है, स्लोपी एरिया या पैरेलल एरिया है ना, समतल जगह है या स्लोपी एरिया है ना, ऐसी जगह है, तो वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं क्रॉप के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को. तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स या क्लाइमेटिक फैक्टर्स में आते हैं, ठीक है? सो लेट्स टेक वन बाय वन. सो वी टेक फर्स्ट वन, विच इज़ लाइट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन. वाई? क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में ही क्या होता है, हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो फूड प्रोडक्शन करते हैं ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. वी ऑल नो अबाउट दैट, व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. ओके, सो देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. आई होप आप सबको समझ है. ओके, सो लाइट इज अ क्रिटिकल इन प्लांट फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फूड इन प्लांट एज शुगर, एज शुगर एंड एज वेल एज ग्लूकोज वी कैन सी, राइट, एंड क्लोरोफिल द ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट प्रोडक्शन. सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइट प्लांट प्रोड्यूस द फूड एट द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है? ग्लूकोज क्या है? शुगर है, राइट? किसके प्रेजेंस में करते हैं? लाइट के प्रेजेंस में करते हैं. कौन से पिगमेंटेशन के प्रेजेंस में करते हैं? क्लोरोफिल के पिगमेंटेशन में करते हैं, ठीक है? सो लाइट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस फोटोट्रोपिज्म, मिनरल एब्जॉर्प्शन, स्टोमेटल मूवमेंट, ट्रांसलोकेशन, फोटोमॉर्फोजेनेसिस एंड एब्सिसन. ओके, सो दीज टर्म्स आर ऑल द फिजियोलॉजिकल टर्म्स. ओके, सो फिजियोलॉजिकल टर्म्स में फोटोट्रोपिज्म क्या होता है? फोटोट्रोपिज्म मतलब क्या होता है कि कितनी शॉर्ट डे ड्यूरेशन एंड लॉन्ग डे ड्यूरेशन प्लांट्स एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स हमने सुना है ना, तो वो फोटोट्रोपिज्म है. मतलब आपके पौधे को कितने फोटो सेंसिटिविटी की जरूरत है, कितने फोटो सेंसिटिव हैं, कितना लाइट उनको चाहिए, कितना प्रकाश उनको चाहिए, ठीक है? इसके बाद मिनरल अब्जॉर्प्शन, मतलब मिनरल अब्जॉर्प्शन क्या होता है कि हमारे जो प्लांट्स हैं वो अपटेक करते हैं मिनरल्स को थ्रू दी सॉइल, थ्रू दी इरीगेशन वाटर, थ्रू दी सन लाइट्स एंड अनदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है? फर्टिलाइजर्स के थ्रू, सॉइल के थ्रू, अलग अलग न्यूट्रिएंट को क्या करते हैं, वो अपटेक करते हैं. तो मिनरल्स एब्जॉर्प्शन जो भी है वो भी लाइट के प्रोसेस में होता है, ठीक है? उसके साथ साथ स्टोमेटल मूवमेंट. अब स्टोमेटल मूवमेंट को मैं ब्रीफली आपको समझा देती हूँ, आप फिजियोलॉजी के क्लासेस में इसे डिटेल से पढ़ेंगे. बट स्टोमेटल मूवमेंट का मतलब ये होता है कि एक हमारे फिजियोलॉजिकल प्लांट में स्ट्रक्चर होता है स्टोमेटा का, ठीक है? स्टोमेटा का बेसिकली क्या काम होता है कि वो ट्रांसपीरेशन और रेस्पिरेशन में भागीदारी करता है, मतलब उसका इन्वॉल्वमेंट होता है. स्टोमेटा क्लोज एंड ओपन, ठीक है? तो क्या करता है वो
जितने भी वाष्पोत्सर्जन होते हैं, ट्रांसपिरेशन होते हैं, वो स्टोमेटा के बेसिस पे होते हैं, ठीक है। मतलब रेस्पिरेशन होता है, जैसे हम नोज से अपने नाक से हम श्वसन की क्रिया करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे हमारा काम करता है, स्टोमेटा जो है वो भी क्लोज एंड अप होने का काम करता है लाइट के प्रेजेंस में। कुछ प्लांट्स में स्टोमेटा लाइट में स्टोमेटा ओपन होता है, कुछ प्लांट्स हमारे ऐसे होते हैं जिसमें लाइट के एब्सेंस में स्टोमेटा क्लोज होता है, ठीक है। तो इस वजह से जो लाइट्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं क्रॉप के प्रोडक्शन में, ठीक है। क्योंकि क्रॉप का प्रोडक्शन क्या है, क्रॉप के प्लांट के फिजियोलॉजी और मॉर्फोलॉजी पे डिपेंड करते हैं कि वो प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, सबका एक अंदर मेटाबॉलिज्म, एक अलग स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, कि हमें खाना कब खाना है, सांस कब लेनी है। सिमिलरली हमारे प्लांट्स का भी प्रॉपर स्ट्रक्चर बना हुआ है जो एक प्रॉपर जगह पे ही लोकेट करता है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करना पड़ता है, उसको लाइट प्रोवाइड करनी पड़ती है, जिससे हमारे क्रॉप का क्या हो, प्रोडक्शन हो, ग्रोथ अच्छा सा हो, ठीक है। द नेक्स्ट इज द इंटेंसिटी, डिग्री ऑफ लेवल ऑफ लाइट ब्राइटनेस एज अ प्लांट रिसीव्स। क्वालिटी में होगा स्पेसिफिक लाइट वेवलेंथ। मतलब जैसे कि हम कुछ हमारे जो प्लांट्स हैं, आजकल हम नई टेक्निक्स में पॉलीबैग्स बनाते हैं या ग्रीन हाउस बनाते हैं, तो ग्रीन कलर का क्यों हम जो नेट हैं वो ग्रीन कलर का ही क्यों रखते हैं, रेड कलर क्यों नहीं रखते, क्योंकि उसका वेवलेंथ कम होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं अपने प्लांट को, राइट। नाउ द डे लेंथ, डे लेंथ मतलब फोटो पीरियडिज्म आ गया आपका, कि द ड्यूरेशन ऑफ प्लांट रिसीव लाइट्स इन अ डे, मतलब एक दिन में उस कितनी लाइट रिसीव करने की कैपेसिटी है उस प्लांट की, तो वो इफेक्ट करती है, ठीक है। ऑफ लाइट अफेक्ट्स प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो इस तरीके से क्या करता है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे लाइट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंस है हम कह सकते हैं, ओके। एंड द सेकेंड इज वाटर एंड रेनफॉल, सो वाटर एंड रेनफॉल is also climatic factors which are affected by the farming system, which farming system is affected by these factors like water and rainfalls. So water promotes animals and plant lives, the availability of water affects crop growth and development and thus yield, ठीक है। मतलब water के पानी से ही सारी चीज़ें जुड़ी हुई है ना, वाटर से ही प्लांट का ग्रोथ और डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है, फूड प्रोडक्शन जुड़ा हुआ है। देन द वाटर इरिगेशन कैन डबल फार्म यील्ड्स, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोन इन अ सिंगल ईयर। हाउएवर डिफरेंट क्रॉप रिक्वायर्स वेरिंग अमाउंट ऑफ वाटर टू ग्रो एंड डेवलप, जस्ट लाइक स्नोफॉल्स, फ्रीजिंग रेन, हेल, आइस पैलेट्स और श्लीट। रेनफॉल इज अ टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन वॉट प्रेसिपिटेशन, हम समझ सकते हैं कि रेनफॉल इज अ काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन, और वी कैन से रेनफॉल मतलब वर्षा जो है वो एक फॉर्म है, किसका फॉर्म है, प्रेसिपिटेशन का, है ना। प्रेसिपिटेशन बहुत, प्रेसिपिटेशन होना मतलब जो हमारी जो वाटर वेपर्स हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, इतने ठंडे हो जाते हैं कि वो एक सैचुरेट टेम्परेचर में पहुँच जाते हैं, तो हमारी बारिश होती है ना, जो ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल चलते हैं इसके थ्रू प्रेसिपिटेशन होता है। प्रेसिपिटेशन का फॉर्म क्या है, हमारा रेनफॉल है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं प्रेसिपिटेशन होने की चीज़ें हैं, जैसे स्नो बन जाता है, मतलब बर्फ आरी होती है, फ्रॉस्ट हो जाता है, ओला की बारिश होती है ना, रेन अलग तरीके से एसिड रेन होता है, ये सारी चीज़ें हैं, रेनफॉल है या वाटर, ये सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं या क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं हम कह सकते हैं, जो हमारे प्लांट के डेवलपमेंट को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, अलग अलग क्रॉप का वाटर रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वाटर में किस तरीके से हम डबल यील्ड ले सकते हैं, वाटर की अवेलेबिलिटी से हम ये एग्जीक्यूट कर सकते हैं ये सारी चीज़ों को। तो ये जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, अगर अवेलेबल हैं प्लांट के कन्वीनियंट के हिसाब से या उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो वहाँ पे प्रोडक्शन अच्छा होगा, और अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, ठीक है। वैसे द फ्रीक्वेंसी एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरीज बेस्ड ऑन द प्रिवेलिंग टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड लोकेशन। वाटर एंड रेनफॉल डिटरमाइन द स्पेसिफिक वेजिटेशन टाइप दैट डोमिनेट्स एंड ग्रो इन स्पेसिफिक लोकेशन, देयरफॉर दे अफेक्ट द ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ क्रॉप्स, ओके। द नेक्स्ट इज टेम्परेचर, देन टेम्परेचर इज अ डिग्री और लेवल ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस इन सेंटीग्रेड एंड डिग्री सेल्सियस एंड सेंटीग्रेड डिग्री फ़ारेनहाइट, वी कैन से, ठीक है। तो टेम्परेचर इज अ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एंड ग्रोथ,
प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, मतलब टेम्परेचर, मतलब आप इनिशियली आपका जो सीड है वो किस टेम्परेचर पे जर्मिनेट करता है, सबसे पहले तो हम वही देखते हैं ना। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, कि हमारा जो सीड है वो किस टेम्परेचर पे जर्मिनेट करेगा। जब तक वो जर्मिनेट नहीं करेगा, प्रिम्यूल और रेडिकल का डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक प्लांट कैसे बनेगा, है ना। तो टेम्परेचर बहुत ही इनिशियल फैक्टर हम कह सकते हैं प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे, जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं हमारे फार्मिंग सिस्टम को। ओके, सो इट अफेक्ट्स वेरियस ग्रोथ प्रोसेस इन क्रॉप सच एज सीड डॉर्मेंसी, ब्रेकेज, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, सीड जर्मिनेशन एंड ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो ये ब्रीफली हम समझ जाते हैं कि सीड डॉर्मेंसी मतलब क्या होती है। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो सुसुप्ता अवस्था में होते हैं, ठीक है, जिनको हमें क्या करना पड़ता है, उनको हमें एक्टिव करना होता है। ठीक है, तो ये कैसे एक्टिव होंगे, टेम्परेचर से, जब हमको प्रॉपर टेम्परेचर प्रोवाइड कराएंगे, प्रॉपर वाटर प्रोवाइड कराएंगे। तो ये एक क्या बोल सकते हैं हम, फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं फार्मिंग सिस्टम को। ब्रेकेज मतलब अगर कोई सीड्स हैं वो टूट गए हैं, टूटे फटे कटे फटे सीड्स हैं, तो उनका जर्मिनेशन प्रॉपर नहीं हो जाएगा, प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिल पाएगा उनको, तो ये इफेक्ट करता है। फोटोसिंथेसिस को आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन मतलब वाटर लॉस थ्रू दी सॉइल, ठीक है, ये होता है आपका ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, जो भी सॉरी वाटर लॉस थ्रू दी फ्रॉम दी लीव सरफेस, दैट इज कॉल्ड दी ट्रांसपिरेशन। लीव सरफेस से जो वाटर का लॉस होता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक है। तो उस पर भी टेम्परेचर डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, लीव से वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होगा, विल्टिंग हो जाएगी, सूख जाएंगे पौधे, है ना। तो क्या होगा, सूख जाएंगे तो पौधे में जो मेटाबॉलिज्म होता है, पौधे का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो करते हैं फूड प्रोडक्शन करने के लिए, है ना, वो नहीं हो पाएगा, तो वो वैसे अफेक्ट होगा। रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, श्वसन कैसे करते हैं, इनटेक होता है उनका, जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करते हैं ह्यूमन बींग्स को। तो ये सारे जो प्रोसेस है, जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, वो अफेक्ट होते हैं टेम्परेचर से, ठीक है। तो जब भी किसी भी प्लांट में फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर अफेक्ट हो, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या होगी, अफेक्ट होगी, ठीक है, इन सारे एनवायरमेंटल या क्लाइमेटिक एलिमेंट्स या फैक्टर्स की वजह से, तो क्या होगा, प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। और यहाँ क्या है, प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, रिलेटेबल है, कि अगर प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ही अच्छा नहीं हुआ तो हमारा क्रॉप का प्रोडक्शन ऑब्वियस है कि बहुत कम आएगा, अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद होता है, प्लांट मैच्योर अर्लियर इन हॉट एरियाज विथ हाई टेम्परेचर बिकॉज फोटोसिंथेटिक ट्रांसलोकेशन अकर्स फास्टर। मतलब प्लांट जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जहाँ होता है वहाँ प्लांट क्या होते हैं, बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, है ना। क्यों मैच्योर हो जाते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेटिक जो भी एक्टिविटी होती है, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी लाइट के प्रेजेंस में होती है, लाइट में क्या होता है, टेम्परेचर होता है, है ना। तो जो लाइट में जो टेम्परेचर अवेलेबल है, ये जो हमारे ऑल एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर अवेलेबल है, उसके थ्रू ट्रांसलोकेशन है। किसका ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन मतलब गमन, आवागमन करना, एक जगह से दूसरे जगह जाना। किसका जाना, न्यूट्रिएंट्स का, फूड मटेरियल्स का, वाटर का, इवनली डिस्ट्रीब्यूट्स होना प्लांट में, तब तो प्लांट में फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग होगी ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अफेक्ट करती है। देन द लास्ट इज, क्रॉप रिक्वायर्स अ जनरल टेम्परेचर रेंज ऑफ 0 to 50 degrees Celsius। डिफरेंट क्रॉप हैव वेरिंग ऑप्टिमल और फेवरेबल टेम्परेचर रेंज ड्यूरिंग द नाइट और डे ऑफ द ग्रोथ एंड ऑप्टिमम यील्ड, ठीक है। जैसे हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं तो हमें टेम्परेचर जो है कैसे अफेक्ट करता है, जर्मिनेशन के लिए अलग टेम्परेचर चाहिए, बूटिंग के टाइम पे अलग टेम्परेचर चाहिए होता है, रूट एस्टेब्लिशमेंट के टाइम में हमें दूसरा टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर जो है अकॉर्डिंग टू द क्रॉप, फेवरेबल या ऑप्टिमल जो टेम्परेचर है वो क्या करता है, डिपेंड करता है किसके ऊपर, क्रॉप के ऊपर, राइट। ओके, सो लेट अस मूव, राइट। सो टेम्परेचर राइज इंक्रीज केमिकल रिएक्शन रेट्स एंड एंजाइम एक्टिविटी इन क्रॉप्स। इवन 10 डिग्रीज इंक्रीज इन टेम्परेचर कैन डबल एंजाइमेटिक रिएक्शन इन प्लांट्स। ओके, हाउएवर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स डीनेचर प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। मतलब क्या होता है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड भी अगर आप बढ़ा दें, या हमारे एटमॉस्फेयर में 10 डिग्री सेंटीग्रेड भी बढ़ गया और हमने ऐसे पौधे लगाया है या ऐसा बीज हमने बोया है जो उस टेम्परेचर के लिए क्या है, सुटेबल नहीं है, ठीक है, उस टेम्परेचर को वो सही नहीं समझता अपने लिए, या उस टेम्परेचर में वो सर्वाइव नहीं कर पाता, तो क्या होता है, उस जो भी केमिकल प्रोसेस होते हैं, है ना, हर एक
प्लांट में हर एक सजीव हो या नॉन लिविंग थिंग हो, उसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, उनका एक मेटाबॉलिकल प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसमें जो भी एंजाइम्स होती है, एंजाइम्स की एक्टिविटी होती है वो फास्टर हो जाती है, या हम कह सकते हैं कि डिस्टर्ब हो जाती है ना, ज़्यादा टेम्परेचर होने से भी और कम टेम्परेचर होने से भी। ज़्यादा टेम्परेचर होने से एंजाइम ट्रांसलोकेशन बहुत जल्दी होने लगेगा, कम टेम्परेचर होने से वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो दोनों प्रोसेस पे क्या है, हमें हार्म है ना, डिसएडवांटेज है दोनों हमारा। हमें क्या करना है, एक ऑप्टिमल टेम्परेचर उसे प्रोवाइड करनी है अपने प्लांट को, जितना उसे चाहिए उतना ही प्रोवाइड करना है, तब हमारा प्लांट जो है एक प्रॉपर हमें क्या करेगा, ग्रोथ करेगा उस एरिया में, प्रॉपर प्रोडक्शन और यील्ड आएगा उसका, ठीक है। सो एज एन एग्जाम्पल लो टेम्परेचर, लो सॉइल टेम्परेचर इनहिबिट्स वाटर एब्जॉर्प्शन बिकॉज वाटर इज लेस मोबाइल एंड मोर विस्कस विथ लेस परमिएबल प्लांट प्रोटोप्लास्ट। Furthermore, water solidifies and expands as temperature drop below freezing point, rupturing plant cell walls. ठीक है, क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर है अगर सॉइल की, तो वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो नहीं होगा, क्योंकि वाटर जो है बहुत ही कम मोबाइल नेचर के होते हैं, बहुत कम मोबाइल मतलब बहुत ही कम ट्रांसलोकेट होते हैं, बहुत ही चलनशीलता कम होती है उनकी, ठीक है। तो क्या होगा, उससे प्रोटोप्लाज्म जो भी होते हैं प्लांट के, जो भी प्रोटोप्लाज्म होते हैं उसकी एक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा वाटर सॉलिडिफाइज एंड एक्सपेंड्स एज टेम्परेचर ड्रॉप बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, और अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो क्या होगा, सेल रप्चर होने लगेंगे, प्लांट के जो सेल हैं, सेल वॉल हैं, वो क्या होने लगेंगे, टूटने लगेंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर प्लांट के ग्रोथ एंड ग्रोथ में कैसे अफेक्ट करता है, प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होने देता, जो फिजियोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस है उसको ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लांट का ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाता। तो ये फार्मिंग सिस्टम को कैसे अफेक्ट करते हैं, फार्मिंग सिस्टम को ऐसे अफेक्ट करते हैं क्योंकि हमें देखना पड़ता है, हमें प्रॉपर क्रॉप प्लानिंग करनी पड़ती है कि इस पर्टिकुलर एरिया में हमें किस तरीके की फार्मिंग सिस्टम अपनानी है जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले, ठीक है। तो ये एक फैक्टर है। देन द एयर, सो एयर इन द ट्रोपोस्फीयर कंप्राइज ऑफ 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन, वी ऑल नो अबाउट दैट, यू नो कंपोजिशन ऑफ गैसेज विच आर अवेलेबल इन आर एटमोसफियर ऑल्सो, ठीक है। किस तरीके की जो एटमोसफियर में कितने परसेंट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस जो है वो अवेलेबल है, ये हम सबको पता है। सो क्रॉप रिक्वायर्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी used in different plant growth and development process. During photosynthesis, plant requires carbon dioxide to manufacture food. मतलब ऐसा नहीं है कि प्लांट को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, प्लांट को एट द सेम टाइम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है रेस्पिरेशन करने के लिए, है ना। तो वो क्या करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में या अलग अलग जो प्रोसेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, उसमें ऑक्सीजन का भी यूज़ होता है। अलॉन्ग विथ ऑक्सीजन गैसेस, हम जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वो टेक करते हैं, अब टेक करते हैं और क्या करते हैं, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को लेके वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्लाइमेटिक फैक्टर इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, सापेक्षिक आर्द्रता। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, ओके। सो द क्वेश्चन हैज़ बीन रेज्ड अबाउट दैट पर्टिकुलर you know terms which is relative humidity. So always remember, the relative humidity is, we can say, the amount of water vapor present in air expressed as percentage. Matlab aisa water vapor jo air mein present hai, ya hum keh sakte hain ki the amount needed for saturation at the same temperature, matlab jo bhi amount of water vapor hamare एटमॉस्फियर में अवेलेबल है उसको सैचुरेट होने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, ठीक है, ह्यूमिडिटी की जरूरत पड़ती है, टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है उसको बनाए रखने के लिए, उसको हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं, हिंदी में हम इसे सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखेंगे, सो द टेम्परेचर ऑफ एयर डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इट कैन होल्ड। वार्म एयर कैन होल्ड मोर वाटर वेपर देन कोल्ड एयर, है ना, ये हम सबको पता है कि जो वार्म एयर है, गर्म हवाएं हैं, वो ज़्यादा वाटर वेपर होल्ड करते हैं इंस्टेड ऑफ कोल्ड एयर, है ना। देन whenever there is a 10 degree centigrade decreases in temperature, the amount of water vapor the air can hold reduces by almost half. जैसे जैसे 10 degree centigrade temperature क्या होगा,
डिक्रीज होते जाएगा, कम होते जाएगा, तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है जो एयर में, ठीक है, वो भी रिड्यूस होते जाएगा, हाफ होते जाएगा जस्ट। जैसे जैसे अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, सपोज हम अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है अगर हमारा, ठीक है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर है, तो अमाउंट ऑफ वाटर जो है 100% है, सपोज एग्जाम्पल के लिए। अगर वो नीचे गिर गया, डिक्रीज हो गया, 10% हो गया, तो अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर जो है वो 50% होगा, जस्ट हाफ हो जाएगा एटमॉस्फेयर से, ठीक है। तो वाटर वेपर की भी अवेलेबिलिटी जरूरत है प्लांट को श्वसन करने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए, प्रेसिपिटेशन प्रोसेस के लिए। प्रेसिपिटेशन नहीं होगा तो रेनफॉल नहीं होगा, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, राइट, ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे ये सारी चीज़ें। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर कैन होल्ड एट गिवन टेम्परेचर। एयर ह्यूमिडिटी इज 5% इन द ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज एंड 0.01% इन द फ्रिजिड पोल्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द एरियाज जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है, इट कैन बी डिफर, मतलब ये क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है, एक दूसरे से अलग हो सकता है अकॉर्डिंग टू द एरिया। तो हमें सबसे, हमारा मेजर गोल क्या है कि हम साइट सेलेक्शन करें। हम जहाँ फार्मिंग सिस्टम बना रहे हैं, कोई सा भी फार्मिंग सिस्टम हो, चाहे वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम हो या हमारा सिर्फ क्रॉपिंग सिस्टम हो या क्रॉपिंग पैटर्न हो, ठीक है, हम अगर कोई सा भी एंटरप्राइजेस इंक्लूड कर रहे हैं तो हमें उस एरिए के सारे एनवायरमेंटल फैक्टर एंड अलॉन्ग विथ यू नो इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड फिजिकल फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा फॉर दी एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉपर यूशेज ऑफ फर्टिलाइजर, यू नो, फार्मिंग सिस्टम मैनेजमेंट, वी कैन से। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर दीज ऑल फैक्टर्स विच आर बिलोंग्स टू क्लाइमेटिक फैक्टर्स। ओके, वेयर इज एयर विथ हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मॉइस्ट ड्राई, एयर हैज़ लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एयर विथ हाई ह्यूमिड लेवल्स कॉन्टेन्स वाटर वेपर इन लार्ज अमाउंट्स फॉर एवरी यूनिट ऑफ एयर वॉल्यूम। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन्फ्लुएंसेस द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग वाटर लॉस इन क्रॉप थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑल्सो अफेक्ट्स क्रॉप प्रोपगेशन। Bare root seedling and plant cuttings are enclosed in plastic bags to prevent desiccation. Leaf and stem cuttings are also kept in plastic tents and propagation chamber to increase relative humidity in air. ठीक है, तो ये सारे रिलेटिव ह्यूमिडिटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, जो लिखा है वही आपको समझना है कि जो सीडलिंग्स हैं या प्लांट कटिंग्स हैं, ये जो हम बंद पॉलीथीन प्लास्टिक बैग्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, डेजिकेशन को बंद करते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को एग्जीक्यूट करते हैं, बढ़ाते हैं उसको, इंक्रीज करते हैं उस रिलेटिव ह्यूमिडिटी के चैम्बर को। ठीक है, तो ये एक फैक्टर है। लास्ट फैक्टर हमारा है विंड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, सो विंड मतलब हवाएं जो चलती है, विंड की स्पीड कैसी है, किस डायरेक्शन से आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली हमें यू नो मल्टी स्टोर्ड क्रॉपिंग जो हम करते हैं अकॉर्डिंग टू द विंड डायरेक्शन करते हैं, कि हमने कम हाइट के प्लांट को पहले जगाने हैं, फिर ज़्यादा हाइट के प्लांट को बाद में जगाने हैं। ठीक है, तो ये सब हम क्यों करते हैं, जिस तरीके से वो, जिस दिशा से आ रही है उसके अकॉर्डिंगली हम क्रॉप का ग्रोथ करते हैं। जैसे विंड इज मूविंग एयर रिजल्टिंग फ्रॉम डिफरेंसेस इन हीटिंग एंड प्रेशर ग्रेडियंट्स, मूवमेंट ऑफ लार्ज मासेस ऑफ एयर एंड द जेट स्ट्रीम्स फ्लो मेक अप अ ग्लोबल स्केल ऑफ एयर मूवमेंट। लोकल एयर मूवमेंट इज स्मॉल इन स्केल, लेस टर्बुलेंट एंड लोअर सरफेस विंड अकर्स एट नाइट बिकॉज देयर इज नो हीट फ्रॉम द सन। एयर closer to the ground cools and contracts than increase in pressure. It expends the reduce in pressure when it's warm up. Cold air flows to displace hot air from high pressure zone to low pressure areas. As a result, it balances the air pressure. So this occur on shores, over lakes and in tropical Asia where the monsoon winds take place. मतलब विंड डिपेंड करता है सबसे पहले तो जो हवाएं हैं, ठीक है, वो हवाएं जो हैं वो डिपेंड करती है बारिश कराने में, प्रेसिपिटेशन कराने में, है ना। मानसून कहाँ से आती है हमारी, मानसून जो है वो साउथ ईस्ट मानसून से स्टार्ट होता है, फिर धीरे 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 वो बढ़ते जाते हैं और हमारे हर जगह क्या करता है, फैलता है, स्प्रेड आउट होता है। ठीक है, तो विंड जो है, विंड का जो डायरेक्शन है या जो लेस टर्बुलेंट के जो विंड सर्फ है, वो क्या करते हैं, सन के हिट को
बैलेंस करते हैं, ठीक है, मतलब टेम्परेचर बैलेंस करते हैं, लाइट बैलेंस करते हैं, ठीक है, विंड ब्रेक हो जाता है। आपने सुना होगा कि प्लांट्स को हम अकॉर्डिंग टू दी हाइट्स उगाते हैं, क्यों, हम विंड डायरेक्शन मेजर करते हैं कि किस तरीके से विंड आती है, विंड की स्पीड कितनी होती है, कहीं हमारे क्रॉप को हार्म तो नहीं करेगी। अगर ज़्यादा स्पीड है तो जो हमारे ज़्यादा हाइट के प्लांट्स हैं वो झुक जाते हैं, जिससे वो फिर यू नो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फैक्टर्स हैं जो हमारे फार्मिंग सिस्टम को बैलेंस रखने के लिए अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि इकोनॉमिक फैक्टर, क्लाइमेटिक फैक्टर एंड फिजिकल फैक्टर्स आर अफेक्ट टू आर फार्मिंग सिस्टम, ठीक है। सो इकोनॉमिकल फैक्टर में हमने देखा था कि सब्सिडीज जो हैं वो कैसे अफेक्ट करती है, इमिग्रेशन जो है लैंड एंड लेबर का वो कैसे अफेक्ट करता है, देन इकोनॉमिकल जो फैक्टर्स हैं, कमोडिटी फैक्टर्स हैं, कमोडिटी प्राइजेस हैं वो कैसे अफेक्ट करते हैं। देन हमने देखा कि जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एयर, विंड, लाइट, टेम्परेचर, ये सारे जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं वो फार्मिंग सिस्टम को कैसे अफेक्ट करते हैं, राइट। सो देन हाँ ओके द नेक्स्ट रेस्ट इज अमाउंट या यस एयर प्रमोट्स पॉलिनेशन, पॉलिनेशन को प्रमोट करता है, कैसे प्रमोट करता है, जैसे हमने मैंने बताया था कि जो वीड है वो कैसे एक दूसरे से फैलता है, कैसे ग्रो करता है, विंड के थ्रू ग्रो करता है, डिस्पर्सल एजेंट है विंड, वैसे ही पॉलिनेशन को कराने में विंड का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंस है, विंड का भी बहुत ही योगदान है हम कह सकते हैं। हैंस फ्रूट्स एंड सीड डेवलपमेंट गैस एनहेंस एंड क्रॉप अकर्स इन मॉडरेट विंड्स, हाउएवर स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन फॉस्टर्स वाटर लॉस एंड टॉपलिंग ऑन लॉजिंग और क्रॉप्स, लॉजिंग ऑफ क्रॉप मतलब गिरा देते हैं क्रॉप को अगर बहुत ज़्यादा उनका विंड का स्पीड है, स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं तो, जैसे मैंने आपको बताया। इवेंचुअली स्ट्रॉन्ग विंड्स हैम्पर प्लांट फोटोसिंथेसिस ड्यू टू लिटिल टू नो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन इनटू लीव्स व्हेन स्टोमेटा पार्शियली और फुल्ली क्लोजेस, देयरफॉर स्ट्रॉन्ग विंड्स कुड रिजल्ट इन पुअर ग्रोथ एंड यील्ड, ठीक है। तो ये जो है वो इस तरीके से अफेक्ट करते हैं हमारे फार्मिंग सिस्टम, ये सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, राइट। सो आई होप यू ऑल गॉट दिस सेंस, एंड आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिजिकल फैक्टर्स देखेंगे, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, एंड टिल देन बी सेफ, टेक केयर, थैंक यू।